क्लास 10th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1/√3। तो 1/√3 जो है किसका मान है, तो 10^30 का मान होता है। तो आंसर हो गया आपका डी नंबर। √2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, बटा में √2 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 1/√2, तो cos थीटा में कितना का मान होता है 1/√2, तो 45 डिग्री। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। sin²θ + cos²θ 1 होता है, क्योंकि थीटा के जगह सेम वैल्यू है इसलिए 1 हो जाएगा। sin90−θ cos θ होता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10^25 और 10^65 एक होगा, और 10^20 और 10^70 एक होगा, तो 1 × 1, तो 1 आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो गया। अब देखिए 2θ = 60 डिग्री, 2θ = 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। तो sin 30 के मान होता है 1/2, आंसर हो गया बी नंबर। अब देखिए cos θ = x है, तो आप जानते हैं cos θ × sec θ = 1 होता है, तो cos θ = sec θ = 1/cos θ हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, cosec θ = 5/3 है, तो h/p होता है, तो b निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा आपका। अब देखिए sin 35/cos 55 है, जोड़ने पे 90 हो रहा है, और sin/cos / cos/sin, तो एक आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1+tan²θ जो है sec²θ के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब क्वेश्चन है आपका 1+cot²θ cosec²θ के बराबर होता है, 2 जो है बटा में आ जाएगा, तो sin 60 डिग्री का मान है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। cos A = 4/5, तो हम यहाँ p निकालेंगे तो आएगा 3, तो 10θ = 3/4, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। cos π/3 π का मान 180 होता है डिग्री में, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो ये नंबर आंसर। sin90−43 यानी कि cos 43 के बराबर होगा, तो यहाँ 43 डिग्री हो जाएगा, यानी sin90−θ, तो cos θ किसका मान 0 होता है, तो आपको हम बता दें cos 90 का मान 0 होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। sin θ = 1/cosec θ होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। sec²θ − 1 tan²θ के बराबर होता है, तो सी नंबर आंसर। sec²θ − tan²θ = 1 होता है, तो बी नंबर आंसर हो गया। बटा में √3 हो जाएगा, तो कितने डिग्री का मान है, तो ये जो है 10^30 डिग्री का मान है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर।